हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दिनेश आपका स्वागत करता हूं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल कायाबंधु पे। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में भी अब कोरोना और ओमिक्रॉन के पेशेंट्स बढ़ने लगे हैं, क्योंकि अगर मैं अपने बरेली की ही बात करूं तो अब इसमें इस समय 1300 से ज़्यादा पेशेंट हैं और हमारी जो डिस्ट्रिक्ट जो प्रशासन है ये अभी जो जिम्स हैं, पूल हैं, उनको बंद करने की अभी अधिसूचना दे चुकी है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो 1 जनवरी की अगर हम बात करें तो 2% का इसका रेशियो था कि जो 100 पेशेंट अगर टेस्टिंग करा रहे हैं तो उसमें से 2 पेशेंट ही डिटेक्ट हो रहे थे, लेकिन ये बढ़ करके इस समय आज 15 तारीख को 15% हो चुकी है। और कल की मैं बात करूं तो लगभग 3 लाख पेशेंट हमारे इंडिया में रिपोर्टेड हुए हैं। तो ये बहुत हाई टाइम है। अभी हम लोग शुरुआत के जो पेशेंट आ रहे थे इस थर्ड वेव में तो ऐसा लग रहा था कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इस वेव में नहीं होगी, लेकिन अब मैं बता दूं कुछ पेशेंट मेरे खुद के वो रिपोर्टेड होने लगे, उनका ऑक्सीजन सेचुरेशन 80-85 पहुंच गया है और अब जो कंडीशन है वो धीरे धीरे मुझे लगता है कि वर्सन होती चले जाएगी। तो हमें बहुत ही सतर्क रहना है, जो गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करना है और जो वैक्सीनेशन है उसके रेट को बढ़ाना है, क्योंकि अभी बरेली की ही बात करूं तो बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे वैक्सीनेशन अप्रोप्रिएट नहीं हो पाया है और जो हमारे डीएम साहब हैं वो बहुत भरसक मेहनत कर रहे हैं कि जो हमारे वैक्सीनेशन है उसका रेट बढ़े। कल की मैं बात करूं तो जो हमारा टारगेट था वो 1 लाख से ज़्यादा वैक्सीनेशन का था बरेली में, लेकिन 60,000 ही अचीव हो पाया। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि जहां भी नियरेस्ट आपका वैक्सीनेशन दिए जा रहे हैं आप लोग जाके वैक्सीनेटेड होइए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जिनको बूस्टर के लिए जो लोग एलिजिबल हैं और वो बूस्टर डोज लें, ताकि आप जब इसके संक्रमण में आए तो आपके अंदर की जो बूस्टिंग पावर है वाया वैक्सीनेशन वो काम कर सके। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि आपकी इम्यूनिटी वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बना के रखिए। जो आपका रूट वही है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, नेजल एंड ओरल रूट, तो ये दोनों ही रूट को हमको क्या करना है, जिसको हम लोग बोलते हैं सैनिटाइज करना है। तो सैनिटाइजेशन होगा कैसे, वाया आप वेपर्स लीजिए, जब भाप को लीजिए अच्छे से नाक और मुंह खोल के, क्योंकि जब आप भाप लेते हो तो वहाँ पे रहने वाले वायरस और बैक्टीरिया वो नष्ट हो जाते हैं। गार्गल कीजिए आप, ओरल हाइजेनिसिटी मेंटेन कीजिए, और वो सारी चीज़ें जो पहले लास्ट वेव में हमने आपको बताया कि आपको गोल्डन मिल्क लेना है, आपको आयुष काढ़ा लेना है, और जितनी भी आपकी रसोई में जो भी चीज़ें आपको दिख रही हैं जो उष्ण वीर्य की होती हैं उसको बना के आप काढ़ा भी बना के ले सकते हो। तो तुलसी बहुत अच्छा एंटीवायरल तत्व है, नीम का आप दातून कीजिए, वो भी बहुत अच्छा एंटीवायरल तत्व है उसमें। तो जो भी चीज़ें होती हैं पब्लिक डोमेन में हैं, आप जिनको जानते हो, क्योंकि दो वेव में हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं, तो मैं आपसे यही आग्रह करूँगा कि वो सारी चीज़ों को आप फॉलो कीजिए, ताकि जो कंडीशन अभी मुझे दिख रही है आने वाले समय में, WHO ने, संयुक्त राष्ट्र ने भी इसकी चेतावनी दी है कि पहले जैसे हालात हो सकते हैं हमारी इंडिया में। जो समृद्ध देश हैं, डेवलप्ड कंट्री जो हैं हमारे, अमेरिका, उसकी हालात आज के टाइम पे ऐसी है कि वहाँ पे पूरा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर चरमरा गया है। तो मैं नहीं चाहता कि हमारे देश में वो सारी परिस्थितियाँ डेवलप हो। हम लोग अपने घर में रहते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए, मास्क को वियर करते हुए, सैनिटाइजेशन को यूज़ करते हुए हम अपने आप को सेफ रख सकते हैं, अपनों को सेफ रख सकते हैं, अपने पूरे समाज को सेफ रख सकते हैं। तो ये मेरा वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक कीजिए कि अब वो स्थिति जो पिछले सेकेंड वेव में देखने को आई है वो थर्ड वेव में देखने को ना मिले। तो हमें वो सारी चीज़ें फॉलो करनी होंगी। थैंक यू फ्रेंड्स।